सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोब्रा यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। मेरा नाम अब्रा और आप देख रहे हैं टेक्नोब्रा। दोस्तों आज के वीडियो में आपसे बात करूंगा कि कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं MIUI 10 की 2.1.0 अपडेट का, और इसमें क्या कुछ नया है दोनों के बारे में बात करूंगा दोस्तों, और बैटरी बैकअप के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं स्टेबल वर्जन है, वॉस न्यू में देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी पैच लेवल अपग्रेड किया गया है। फिर आपको आपको यहाँ पर जो नोटिफिकेशन पैनल आपका जो आपको दिख रहा है स्टेटस बार, वहाँ पे आपको कुछ ईयरफोन की प्रॉब्लम आ रही थी, आपको ईयरफोन का सिंबल नहीं आ रहा था आइकन, उसे फिक्स किया गया। फिर स्क्रीनशॉट अगर आप लेते तो और आप स्क्रॉल करते तो स्क्रॉल नहीं होता था, उसे फिक्स किया गया। फिर दोस्तों आपको ऑन गो आपको अगर कॉल करते हैं तो दोस्तों रिटर्न आप बटन दबाते थे, रिटर्न्स का ओवरलैप हो जा रहा था टाइम पे विद टाइम टाइम के साथ, उसे फिक्स किया गया है। फिर कोड आप नोटिफिकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है फ्लोटिंग में, उसे फिक्स किया गया है। फिंगरप्रिंट में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कॉल के दौरान, उसे फिक्स किया गया। और रिकॉर्डिंग में कई बार रिकॉर्डिंग पॉज हो जा रही थी नोटिफिकेशन शेयर की वजह से, तो इसे फिक्स किया गया है। दोस्तों इसमें काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि हम जैसे रिकेंड में आते तो आपको यहाँ पे चार ऑप्शन मिल जाते हैं, क्लीनर, सिक्योरिटी स्कैन, फाइंड एप्स एंड मैनेजर्स। ठीक है, ये ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप इसे नहीं पसंद आपको डिसेबल करना है तो आपको सिर्फ जाना सेटिंग के होम स्क्रीन एंड वीकेंड में सोच सजेशंस को ऑफ कर दीजिए और वो निकाल दीजिए। ठीक है, फिर दोस्तों आपका जो क्यूब टॉगल है उसे चेंज किया गया, आप देख सकते काफ़ी अच्छा क्यूब टॉगल किया गया बीटा वर्जन। दोस्तों फिर मैं आपको बता दूँ स्क्रीन रिकॉर्डर में आप सेटिंग में जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे साउंड सोर्स में दोस्तों आपको एक सिस्टम साउंड का ऑप्शन मिल जाता है, जो पहले बीटा में ही मिलता था। बीटा अपडेट में कुछ चार पांच बीटा अपडेट से मिल चुका था Xiaomi के Redmi Note 5 Pro में, लेकिन अब जाके स्टेबल में आ चुका है। ठीक है, तो आप इंटरनल साउंड को भी डाउन आप रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, बाकी दोस्तों आपको इसमें कैमरा में कोई इंप्रूवमेंट थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है ना, ये AI मोड आया है, 4K रिकॉर्डिंग आई है, ना ही दोस्तों आपको PUBG HD में मिलता है, ना ही दोस्तों आपको थर्ड पार्टी थीम का अलाउ मिला है, कोई थर्ड पार्टी थीम इंस्टॉल कर सकते हैं, ना ही आपको दोस्तों यहाँ पे कैमरा टू API का इनेबल मिला है, ये कुछ भी नहीं मिला दोस्तों अब तक, पता नहीं कब मिलेगा। दोस्तों अगर 0.56 के वर्ज़न पे हो तो दोस्तों आपको अपडेट मिल चुका होगा, अगर नहीं मिला है फिर पुराने रोम पे हो या फिर बीटा में हो तो दोस्तों सबसे पहले बात करता हूँ 0.6 पे हो तो आप चेक कीजिए, अगर आपको अपडेट आया है तो कर लीजिए, वरना दोस्तों आप नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पे OTA लिंक होगा, उसे डाउनलोड कीजिए, फिर चूज अपडेट पैकेज में जाके आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और फिर ओके पे प्रेस करना है। अगर आप किसी और रूम पे हो और आप या फिर 0.6 के पहले के अपडेट पे हो तो दोस्तों आपको सिंपल आप फुल रूम डाउनलोड कीजिए, चूज अपडेट पैकेज कीजिए और यहाँ से वो सिलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों मैं आपसे बता दूँ कि बैटरी बैकअप और परफॉर्मेंस है इसकी वो बेहतर हुई है। ठीक है, उसके मामले में काफ़ी अच्छा हुआ है, बैटरी बैकअप भी 0.6 जो पॉइंट हमारा 0 पॉइंट का जो अपडेट आया MIUI 10 में उसके बाद से बैटरी बैकअप थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ था MIUI 9 से, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छा है उन पांचों के मुकाबले, ये वन ऑफ द बेस्ट बिल्ड मुझे लगा है, क्योंकि मैं इसमें 2 दिन रहा हूँ और दोनों दिन दोस्तों बहुत ही बढ़िया मेरे निकले, बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा दिया है इसने, तो मैं वन ऑफ द बेस्ट रूम कहूँगा MIUI की ऑफिशियल रूम में से। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी फास्ट और एक्यूरेट आप देख सकते हैं, क्या काफ़ी एक्यूरेट है, काफ़ी फास्ट है। तो दोस्तों अगर आपको मैंने बता दिया इंस्टॉल कैसे करना है, दोस्तों आपको कोई भी नया फीचर्स अब तक मुझे नहीं मिला। हाँ, आपको यहाँ पे देख सकते हैं रिकमेंडेशन, बहुत सारी एड्स आपको दिखने लग जाएगी। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको फाइल एक्सप्लोरर ओपन करेंगे यानी फाइल मैनेजर, उसमें भी आपको काफ़ी सारी एड्स मिल जाती हैं, तो पता नहीं Xiaomi अब कितनी एड्स देगी, पता नहीं कब उसे कम करेगी, पता नहीं। तो यही था आज का वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।